नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। आपको पता है कि निजामुद्दीन में जो मरकज जमात की सभा हुई थी, उसकी वजह से पूरा देश तबाह है, क्योंकि उस जमात के लोग कोरोना से संक्रमित थे और देश के हर राज्य में पहुंच गए हैं, और माना जा रहा है कि संक्रमण का सबसे ज़्यादा खतरा उनकी वजह से ही है। इस जमात के लोग सामने नहीं आ रहे हैं, अपनी जाँच नहीं करवा पा रहे हैं, उससे भी सरकार की चुनौती बढ़ गई है। इस बीच बिहार सरकार की नींद उड़ गई है, क्योंकि खबर आई है कि बिहार में भी तबलीगी जमात के कार्यक्रम किए गए हैं। जो सूचना आई है उसके अनुसार 14-15 मार्च को नालंदा के बिहार शरीफ के सेखना मस्जिद में एक जमात की सभा हुई थी, जिसमें 640 लोग शामिल हुए थे। इस सूचना आने के बाद नालंदा दरभंगा जिला प्रशासन के हाथ पाँव फूल रहे हैं, क्योंकि बिहार के दरभंगा में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला था अब तक। वहाँ के लोग राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन अब जब मरकज जमात से जुड़े हुए लोगों के वहाँ जाने की खबर आई है तो जिला प्रशासन परेशान है, और पुलिस दावा कर रही है कि जो दरभंगा के 12 थे मरकज जमात से जुड़े हुए लोग, उनकी पहचान कर ली गई है, उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है, उनकी जाँच की जा रही है। सूत्रों के अनुसार जो खबर आ रही है, दरभंगा के 12 लोग इस जमात में शामिल थे, उन्हें दरभंगा पुलिस ने चिन्हित कर लिया है। इससे थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन और लोग कहाँ हैं उनकी खोजबीन जारी है। कोरोना वायरस के संक्रमण की खतरा और भी बढ़ गया है, क्योंकि इस जमात में शामिल एक व्यक्ति का जो रिपोर्ट है कोरोना पॉजिटिव आया है, और वो व्यक्ति कहाँ कहाँ गया, उसने कहाँ कहाँ चेन बनाया, इसकी जाँच पड़ताल की जा रही है। दरअसल नालंदा कलेक्टरियट बिहार शरीफ जिला गोपनीय शाखा से जारी हुआ है एक पत्र 12 अप्रैल को। उस पत्र में ये खुलासा किया गया है, ये पत्र आपदा प्रबंधन विभाग पटना को लिखा गया है, और उसमें सूचित किया गया है कि बिहार शरीफ सेखना मस्जिद में 14-15 मार्च को तबलीगी मरकज का एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें 640 लोग शामिल हुए थे। इस पत्र में ये भी चिंता जताई गई है कि कुछ व्यक्ति झारखंड के हो सकते हैं, कुछ बिहार के कई जिलों के हो सकते हैं। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले नवादा जिले के एक व्यक्ति के संपर्क में आने वाले एक व्यक्ति में कोरोना का संक्रमण पाया गया है, जिसके बाद बिहार प्रशासन ने दरभंगा से 12 जमातियों की सूची दरभंगा प्रशासन को भेजा है, और दरभंगा पुलिस उनकी पहचान कर लेने का दावा भी कर रही है। दरभंगा के SP बाबू राम ने इस बात की पुष्टि की है, और उन्होंने कहा है कि जमात में शामिल दूसरे जिलों के लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इस आलोक में पत्र मिलने के बाद यह कदम उठाया गया और सभी को मेडिकल सुरक्षा में रखा गया है। तो बिहार शरीफ में जो तबलीगी जमात की सभा हुई है, उसकी वजह से दिल्ली जैसा खतरा बिहार में न फैले संक्रमण का, यही हम उम्मीद करते हैं। आप भी भगवान से दुआ करिए, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ज़रूरी है, ताकि लोग सावधान हो जाएं कि बिहार शरीफ में जो मरकज जमात में शामिल होने 640 लोग आए थे, उनसे बचकर रहना है। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसे आगे भी बनाए रखिएगा। धन्यवाद।